जय गणेशाय नमः। आज पूरा लिखो, मैटर पार्ट 11, 9 हो गया, 10 हो गया, अब 11 पढ़ना है। 11 में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पॉइंट है आज हम लोगों का गैस प्रेशर। 11 में पढ़ना है गैस प्रेशर। एग्जांपल में क्या सब लेना है गैस के प्रेशर में, जैसे प्रेशर कुकर का फट जाना, खराब बात है, नहीं फटना चाहिए, लेकिन हमको तो एग्जाम्पल लेना है तो हम लेंगे गैसर थी। गैस में क्या होगा, प्रेशर कुकर का फट जाना, साइकिल में हवा भरते भरते टायर ब्रस्ट कर जाना। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया, गैस प्रेशर का। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो अपना घर में, उल्टा पुल्टा खाना खाया रात में, सवेरे से गैस भर गया पेट में, उल्टी हो जाना नहीं हो गया वो भी क्यों, उल्टी हो जाना, जहाँ से जगह मिलेगा वहीं से नहीं निकलेगा, दिया प्रेशर जो अंदर में खाया पिया सब वो निकाल दिया, क्या गैस के कारण क्या हो जाना, उल्टी हो जाना, वही गैस प्रेशर अभी हमको पढ़ना। तो इसमें हमको यह बताना है कि सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें डिफरेंस सबको पता है। इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में क्या होता है उससे कम, और गैस में क्या होता है सबसे कम। तो इंटरमोलेकुलर स्पेस सॉलिड में क्या होगा सबसे कम, लिक्विड में क्या होगा उससे ज़्यादा, और गैस में क्या होता है सबसे ज़्यादा। नहीं, फिर भी काइनेटिक एनर्जी का जो बात किया जाए, तीनों स्टेट में सबसे कम है किसका, गैस का। नहीं, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, गैस में काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें है, गैस में, लेकिन वो भी क्या नहीं के बराबर, जनरली तो नहीं है के बराबर ना हुआ, लेकिन तीनों के आधार पर तो सबसे ज़्यादा उसमें है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट के आधार पर सबसे ज़्यादा उसमें है। ठीक, ये हमको सबको पता है कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वह पार्टिकल से जो बना हुआ है, कण से जो बना हुआ है, वह हर हमेशा क्या करेगा, मूवमेंट में रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे आदमी का भी दिमाग कितना चंचल होता है, देखता है, हर हमेशा मूवमेंट में रहता है। तो हर हमेशा मूवमेंट में रहने का मतलब क्या, जैसे किसी बर्तन में, हम लोग बर्तन ही समझो एक हिसाब से, किसी बर्तन में गैस है, खाली जगह तो नहीं रहेगा, हैं, वैक्यूम करके, वैक्यूम पंप से तो वो नहीं निकाले हैं अभी हम, गैस है, बर्तन रखा हुआ था, इसमें क्या होगा, गैस होगा। ठीक, गैस जब है तो वो गैस स्थिर तो नहीं रहेगा, उसका कण नेचुरल नहीं है, कण स्थिर नहीं रहेगा, आपस में लड़ेगा, आपस में एक दूसरा क्या करता है, कोलाइड करते रहता है, उसे 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 रैंडम मोशन भी उसका क्या है, रैंडम मोशन है, और सब एक दूसरा से क्या करेगा, टकराते रहता है। वही कह रहा है कि मान लो कि ई इससे टकराया, उससे टकराया, उससे टकराया, जैसे एक हम बर्तन बना लिए, इसमें सारा क्या है, कण है ना, पार्टिकल है ना, हैं, सब पार्टिकल सब है, और घना कर देते हैं, कहता है कि ई जो है सो इससे टकराया, ई फिर किसे टकराया, इससे, ई किसे टकराया, इससे, सब सब से टकरा रहा है, ध्यान दो बात, सब सब से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो भैया जब सब सब से टकरा रहा है तो इ, ए, तुमको अब जब अभी जब नहीं जाएगा, उसको क्या होता है, पूजा होता है ना, तो पूजा में जो है सो प्रसादी जो चढ़ता है
वो खाने का टाइम उसका हो गया, ठीक है, लेट हो रहा है, इसीलिए चाय 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 करेगा, भाई उमर खाना कहाँ, तू पढ़ रहा है पढ़ा रहा है, उसको क्या मतलब, हमारे तो भोजन चाहिए, इसलिए वो हल्ला करेगा। हाँ चलिए, कह रहे थे यहाँ कि ई पार्टी के लिए इससे लड़ा, ई पार्टी के लिए, सब लड़ते गया लड़ते गया भैया, सब टकराते टकराते जाके कहाँ से टकरा रहा, कंटेनर के वाल पर जाके टकरा रहा कि नहीं, सब अपना में टकराता है, सब मिल जाता है, उससे 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 टकराते टकराते सारा प्रेशर किस पर दे रहा है, वाल पर दे रहा है, इसी को बोलते हैं गैस प्रेशर। अब बात समझा, गैस प्रेशर क्या है, सो थोड़ा मोड़ा रहता है प्रेशर तो नहीं पता चलता है, अब उल्टा पुल्टा खाएगा तो उल्टी होबे करेगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो यही है गैस प्रेशर, समझ गए। अब इसको हमको लिखना है, भाग गया भाग गया, फिर लेट होगा तो फिर आएगा टें टें करते हुए। चलिए अब गैस प्रेशर में लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट इज वेरी लोएस्ट, इज वेरी लोएस्ट, फिर भी इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट इज क्या, वेरी लोएस्ट, इट इज मैक्सिमम इन थ्री स्टेट, वो जो अपना थ्री स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें तो सबसे ज्यादा है ना, नहीं है, मैक्सिमम इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। एज अ रिजल्ट the molecules in the gaseous state molecules in the gaseous state is free to move in high speed due to their random movement, due to their random movement जानता है ना, random motion, हाँ, इसका example तो सबके घर में है, random motion का, नहीं है, random motion का example तो daily देखता है, daily उसे तुमको tension होता है, नहीं पता चल रहा, आप ध्यान नहीं दे रहा है, मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं हम लोग, बिना मच्छर का रहेंगे, मच्छर कब काट के किधर से किधर चला जाता है, मच्छर का जो मोशन है वो क्या होगा, रेंडम मोशन में ही, अभी यहाँ 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 कहाँ भाग जाए, कभी मरता रहता है जल्दी, कभी नहीं मरते रहता, रेंडम मोशन में रहता है, देयर रेंडम मूवमेंट, द पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर, द पार्टिकल्स कोलाइड विथ each other, ये मोटा है इसलिए साफ दिखाई दे रहा, the particles collide with each other and also with the walls and also with the walls of the container, चाहे container जो भी हो, क्या द कॉन्स्टेंट, अब यहाँ पर लिखिए, अब वही लगातार जो होते रहेगा, नहीं समझे, एक बार ये हो रहा है तो पीछे से और पार्टिकल भी आ रहा है,
उसके पीछे से तो और पार्टिकल आ रहा है, उसके पीछे और पार्टिकल भी तो आ रहा है, यानी एवं प्रकार धीरे 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 उस पर तो प्रेशर बना ही नहीं रहा है वो। इसी को कहा गया है द कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट, द कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ द मोलेक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द मोलेक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एक्सर्ट अ स्टेडी फोर्स, स्टेडी STEADY स्टेडी फोर्स, एंड दिस रिजल्ट into the pressure of gas, into the pressure of gas, हो गया ये काम खत्म, यानी गैस का प्रेशर समझ गए, गैस का प्रेशर समझ गए। अब इसमें हमको समझाना है थोड़ा सा कि इसका यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट इसको साफ किया जाए। इतना दिन से घरे रह रही थी तैयो 11 बजे बुला ली, बड़ा हड़बड़ी रही से घर जाके, अब तो जेबे न कर रहे। अब द प्रेशर इज मेजर्ड, अच्छा प्रेशर बराबर होता क्या है, फोर्स बाय एरिया, नहीं फोर्स बाय एरिया, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, फोर्स जितना ज़्यादा देंगे प्रेशर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए द प्रेशर इज मेजर्ड बाय प्रेशर इज मेजर्ड बाय गैस मोलिक्यूल्स, यहां तो गैस प्रेशर पढ़ रहे हैं हम लोग, गैस मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर, हो गया। अब आइए प्रेशर ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं सीधा लिखो ATM, या CM ऑफ HG, या MM ऑफ HG, और एक यूनिट आपको पते है पास्कल, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है पास्कल, यानी 1 ATM इज इक्वल टू 76 CM ऑफ HG इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG, एक हो गया। और दूसरा यूनिट हमको पता है क्या, SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पा माने पास्कल, क्या है पास्कल, ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है मेरा पास्कल। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है,
1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, हो गया। अब एक आइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूज किए हैं वर्ड का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इसको नापा जाता है कहाँ से? सी लेवल से। कहाँ से नापा जाएगा? सी लेवल से। वो भी लिखिए लीजिए, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm। सी लेवल पर क्या माना गया? 1 atm। इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm। कहाँ कहा जाएगा? सी लेवल पर। कहाँ पर? सी लेवल पर। हो गया, ये काम खत्म। अब हमको कुछ क्वेश्चन दे देना है। बोले थे ना 15-16 मिनट जाएगा, 15-16 मिनट। अब क्वेश्चन लिख लीजिए दो चार को, थोड़ा टेंशन भी लीजिए। जब तक टेंशन नहीं लीजिएगा तो जीवन में कैसे आगे बढ़िएगा? क्या है? नो रिस्क नो गेन, नहीं है? नो रिस्क नो गेन। अब आपको हम टेंशन देने जा रहे हैं कि अब आप सोचिए, हो सकता है सारा क्वेश्चन इससे नहीं भी बने, हाँ कुछ पॉइंट हो सकता है आगे वाला वीडियो में जाएगा, ये भी हो सकता है। ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन हो जाए तो बहुत है कि 5 क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 1, इसका नाम रख दीजिए प्रॉब्लम्स और मी। सबके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन ग्लास ऑफ वाटर इज फ्रीज्ड, व्हेन ग्लास ऑफ वाटर इज फ्रीज्ड, फॉर्मेशन ऑफ आइस starts from the top layer, but melting of ice starts from the bottom, है ना? अच्छा क्वेश्चन, starts from the bottom। एक क्वेश्चन, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। सॉलिड्स जनरली अंडरगो melting on heating, but only certain, specific solids
लाइक नेफ्थलीन नेफ्थलीन एन यू पी एच टी एच ए एल ई एन ई नेफ्थलीन कैम्फर अंडरगोज सबलिमेशन अंडरगो सबलिमेशन गिव रीजन। दो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन कोल्ड कंट्रीज इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स फॉर बोथ विंटर एंड एज वेल एज समर सीजन। वन तीन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर। कम से कम पांच तो देना ही चाहिए क्या? चौथा है, ठीक है, चौथा लिखिए। टू आइस ब्लॉक्स ऑफ 10 ग्राम ईच आर प्लेस्ड इन 2 लीटर डिस्टिल्ड वाटर एट 273 केल्विन। वन ऑफ दी आइस ब्लॉक्स इज मेड अप ऑफ सी वाटर एंड अदर वन इज मेड अप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज ऑल्सो 273 केल्विन। ठीक है, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाएगा। हाँ, फाइव में एक लिख लीजिए, the MP of a non-sublimable solid is 100 degree C. What do you observe when a small piece of this solid is taken in a test tube and placed
इन बॉइलिंग वाटर, इन बॉइलिंग वाटर, बस हो गया, दिखाई दे रहा है ना? नहीं हो देखा, थोड़ा सा पीछे भी कर देते हैं कि क्लियर हो जाए कम से कम। क्या हो गया, लिखा गया सब? चलिए, जय माँ बंगलामुखी।